ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। पानी के बीचों बीच जल जमाव में फंसा ये कोई घर नहीं, शिक्षा का मंदिर स्कूल है, जो पानी के बीच दम तोड़ रहा है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। के पाठक चाहे लाख स्कूलों का दौरा कर ले, नीतीश कुमार चाहे लाख बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा ठोक ले, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। और उसी सच्चाई में से एक है ये मुजफ्फरपुर का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां जर्जर भवन के अंदर एक क्लास के अंदर पांच क्लास के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के दावों के उलट एक सड़े और बदबूदार कमरे में संचालित हो रही ये प्राथमिक विद्यालय को देखिए, जिनको देखकर आपका बिहार के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो जाएगा। विद्यालय की हालत को देखकर पहले तो आपको लगेगा कि ये कोई स्कूल है ही नहीं, लेकिन एक कमरे वाले इस जर्जर भवन में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखकर जरूर आपको यकीन हो जाएगा। जरा देखिए नीतीश राज में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय भलखाना में है और गोदरी इलाके में यह विद्यालय है। कक्षा एक से पाँच तक की पढ़ाई इसी एक कमरे में होती है और मात्र एक शिक्षिका है जो इन बच्चों को किसी तरीके से पढ़ाती है। सबसे आश्चर्य इस बात से है कि आप देख सकते हैं स्कूल का छत जो है शेड किस तरीके से जर्जर है, कब धराशायी हो जाए इसकी कोई ठीक नहीं है। बारिश का मौसम है, दो दिनों से बारिश हो रही है और तमाम पानी जो है छत के ऊपर, चूँकि शेड काफ़ी जर्जर है तो कक्षा में प्रवेश कर रहा है। जो भी रसोईया हैं वो आप देख सकते हैं किसी तरीके से पानी को कक्षा से बाहर निकालें, और परीक्षा का सीजन है, एग्जाम का सीजन है, तो बच्चे कैसे भी जैसे तैसे परीक्षा दे रहे हैं। उनकी कापियाँ प्रश्न पत्र तमाम भीग जा रही है। किस क्लास में हो आप? चौथा क्लास में। चौथा क्लास में क्या बनना है पढ़ लिख के? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। आप बताओ किस क्लास में हो? पांचवा में। पांचवा में क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आप किस क्लास में हो? तीसरा। तीसरा में हो। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। आप बताइए किस क्लास में हो? पांचवा। पांचवा में। क्या नाम हुआ? राधिका कुमारी। क्या बनना है राधिका? टीचर। टीचर बनना है। आप किस क्लास में हो? थ्री। थ्री में। क्या बनोगे? मैडम। मैडम। तो इन तमाम बच्चे अपने अपने सपने को पूरा करने के लिए इस विद्यालय में आते हैं और गुदरी का इलाका है। इन दिनों यदि बात करें तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक विभिन्न विद्यालयों का दौरा करते कई एक सख्त निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षा की में सुधार की दावा करने वाली सुशासन की सरकार से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में गुदरी इलाके में विद्यालय है और सैकड़ों गुदरी के लाल इस विद्यालय में अफसरान बनने की सपना लिए आते हैं। उनका सपना तब पूरा होता यदि इधर भी हाकिम का साहब का नज़र इनायत होता और इस विद्यालय की स्थिति में सुधार होती तो इन गुदरी के लालों का सपना भी साकार हो सकता। तो देखा आपने कैसे एक क्लास में पानी के बीचों बीच एक क्लास में पांच क्लास के बच्चों की पढ़ाई चल रही है। नीतीश राज में इन बच्चों का भविष्य किस तरह अंधकार में डूब रहा है। इस तस्वीर को देख करके आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह पे बच्चे पढ़ने के लिए आते कैसे हैं। बता दें कि इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का दौरा लगातार स्कूलों में चल रहा है। उनके सख्त निर्देशों की काफी चर्चा भी हो रही है। ऐसे में इस स्कूल के आसपास के लोगों को भी के पाठक के आने का इंतजार है, जिससे इस स्कूल का भी कायाकल्प हो सके। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब के पाठक की नजर इस स्कूल पर पड़ती है और कब इन बच्चों का भविष्य संवरता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार पर।